राम राम जी। तो भाई मैं बोल रहा हूँ आपके सामने फिर से, आज भाई एक बढ़िया ब्लॉग लेके आऊँ तुम्हारे लिए, एक बढ़िया चीज, हुक्का साफ करना। जो देसी हुक्का है पीतल का, ये साफ कैसे करते हैं, किस चीज तो भाई ये है सोल्यूशन, इधर दिखाओ भाई, ये पीतांबरी, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी वानी जो भी है वो मिला के इससे साफ करूंगा। अब आप देखते जाओ कैसे कैसे करता हूं मैं। दिखाओ भाई, यहां दिखाओ पहले, ये देखो ये कितना काला है, पहले इसको देखो, ये पीतल का है, ये कितना काला है, काला हुआ हुआ, ये एक महीने से ऐसे रखा है, ये ब्लैक है पूरा। अब देखो ये पीतांबरी मैंने हल्की सी लिया इसमें डुबो के, और देखो ये देख रहे हो चमक, ये देखो चमक आने लग गई ना। तो भाई मैंने साथ में लिया एक नींबू आधा कटा हुआ, नींबू ऐसा है नींबू भी अपना जलवा दिखाएगा इसमें, तो आप देखते जाओ आगे आगे। मैंने आपको बिल्कुल काला दिखाया है, अब इसको देखना बिल्कुल चमकता हुआ दिखाऊंगा आपको, तो आप देखते रहिए। उसको धो के दिखाता हूँ कैसा निकलता है ये। तो भाई पहले मैं लगा लेता हूँ उसको नली को इसमें, तो भाई नली लगा ले, अब देख रहे तुम मजा कैसे चमक के आता है, देखो हो गया ना बिल्कुल नया। नजदीक से दिखाओ इसे, इस चीज को इसे चमकाने तक कर भाई मेरे हाथ कारे हो गए। तो भाई जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैंने कैसे कैसे चमकाया है भाई, मेरे 15 मिनट की मेहनत थी पूरी, और अब देखो एक दो महीने से मैंने धोया नहीं था, अब जाके धोया और देखो कैसा निखार आया है भाई। देखो पूरा ये साफ हो गया, हल्का हल्का है पर वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पूरा साफ हो गया है ऊपर से यहाँ से साइडों में से पूरा ये साफ कर दिया है मैंने। तो पारस कैसा चमक रहा है बता, मस्त लग रहा है। तो भाई 15 मिनट की मेहनत के बाद बढ़िया चमक गया है हुक्का, अब हुक्का को सिलगाएंगे, अब लगाएंगे और थोड़ी देर पियेंगे और मजे लेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।